मुंबई का मशहूर चोर बाजार, जिसका वो सच जो ना आज तक फिल्मों में दिखाया गया ना कभी यूट्यूब पे दिखाया गया। हमारे बड़े अब्बू जूता खरीद के लेके आए, उनका जूता चोरी हो गया। वो आए चोर बाजार में, उस पोर्शन में घूमे तो उनको मिल गया, उन्होंने खरीद लिया। यहाँ का जो दुर्लभ सच है, जो नायाब सच है, वो आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ ऐसी अनोखी दुकानें हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में खोजे नहीं मिलेंगे। यही तो इस मार्केट को यूनिक करता है। आज आपको पता लगने वाला है, मुंबई का मशहूर चोर बाजार, जिसका वो सच जो ना आज तक फिल्मों में दिखाया गया ना कभी यूट्यूब पे दिखाया गया, आज आपको पता लगने वाला है। हाँ, ये सच है कि यहाँ चोरी का सामान बिकता है। ये भी सच है कि जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म आई थी और गाड़ी खड़ी होते ही खुल जाती है, वो कहानियाँ यहीं से शुरू हुई। लेकिन यहाँ का जो दुर्लभ सच है, जो नायाब सच है, वो आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ ऐसी अनोखी दुकानें हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में खोजे नहीं मिलेंगे। ऐसे अनोखे सामान यहाँ मिलते हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में खोजे नहीं मिलेंगे, बल्कि दुनिया के बाहर के लोग यहां से मंगा के खरीद रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। और आप जानते हैं कि ललन टॉप सिर्फ चुनाव में चुनाव नहीं दिखाता, अगर किसी शहर में है, किसी जगह पे है, तो वहाँ की हकीकत और दूसरी चीज़ों को भी दिखाता है। ये जो मुंबई का चोर बाजार है, ये भिंडी बाजार का इलाका है, और भिंडी बाजार के बारे में आप लोगों ने कई बार फिल्मों में सुना होगा। हमारे साथ हमारे यहाँ दो दोस्त हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल अजीम आजमी। आजमी, आजमी भाई हैं जो दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन पले बड़े, पैदा इनकी पैदा यहीं पे हुए। और आपका? रिजवान शेख। रिजवान शेख, तो अब जो है आगे की कहानी चोर बाजार की यही बताएंगे हम, इनके हवाले छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं आजमी भाई आपसे, आप जरा चोर बाजार के बारे में। बाजार असल में वो जगह है ना जहाँ जो भंगार है, स्क्रैप है, लोग जो बेचते हैं तो उससे जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, भंगार वाला होता है जो उसमें काम की चीज़ें होती है वो निकाल के लाता है। या इस तरह कपड़ों की एक मार्केट है, फर्नीचर की एक है, एंटिक पीस की एक है, गाड़ियों की एक है ना, फुटवेयर की एक है, हार्डवेयर की एक है। तो मतलब ये बचपन में यहाँ चप्पल चोरी हो रही होने के कई किस्से हैं जो मैं जानता हूँ। जैसे हमारे बड़े अब्बू जूता खरीद के लेके आए, उनका जूता चोरी हो गया। वो आए चोर बाजार में, उस पोर्शन में घूमे तो उनको मिल गया, उन्होंने खरीद लिया। इस तरह उनका चार बार चोरी हुआ एक ही जूता। चौथी बार उस जूते वाले जिसे खरीदा, उन्होंने कहा जाओ अब आपका जूता चोरी नहीं होगा। फिर उनका जूता चोरी नहीं हुआ। मतलब इस तरह की कहानियां यहाँ हैं, लेकिन ये जो जिस सेक्शन में हम खड़े हैं, ये मतलब एंटीक पीस केस का है। ये जितने सामान रखे हुए सब एंटीक पीस है। यहाँ हड़प्पा वाले बाबा से लेकर सिकंदर की मूर्तियां तक मिल जाएंगी। तो ये एंटीक पीसेस वाला जो है, वहाँ पे मामला ये है कि लोग जब घर खाली करते हैं, घर छोड़ते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें फालतू जमड़ के बेवैल्यू समझ के किसी भंगार वाले को दे देते हैं। तो वो जब इनकी नज़रों में आता है तो वो उसे लाते हैं, उसकी दोबारा से मरम्मत करते हैं, पॉलिश करते हैं ना, और उसे बेचते हैं। ये उसे बंटी जिससे अभी मैंने मिलवाया था, बचपन ही मुझे मालूम था कि ताज में जो एंटीक पीस की शॉप है उनसे सप्लाई सिर्फ इनकी है। तो आप लोग हमें ये बाजार घुमाने वाले हो, दिखाने वाले हो? जी जरूर दिखाने वाले हैं और आपको घुमाने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे जो आज तक आप सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन किसी इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हम इसको चोर बाजार के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में एक जमाने में इसका नाम शोर बाजार था। कारण ये था यहाँ पे कि जैसा कि भाईजान ने बताया, तो पहले जो चीज़ थी ये, यहाँ पे स्क्रैप की गाड़ियाँ आती थी। जो गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाती हैं, कहीं और टूट नहीं सकती हैं, उन्हें तोड़ नहीं सकते या उन्हें बेच नहीं सकते, तो यहाँ पे आप पीछे की गली में जाएंगे तो उसको स्क्रैप किया जाता था। तो उसकी वजह से शोर वगैरह बहुत होती थी, तो इसके लिए इसका नाम रखा गया था शोर बाजार। लेकिन वो धीरे धीरे जो शोर बाजार था वो चोर बाजार में कन्वर्ट हो गया। ये अंग्रेजों के टाइम ऐसा था कि अपभ्रंश हो गया, वो शोर बाजार नहीं बोल पाते थे। मैंने आज तक ये वाली कहानी नहीं सुनी है, लेकिन मैं हिंदुस्तान में तकरीबन 550 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया हूँ, हर जगह एक चोर बाजार है। वो इंस्पायर यहाँ से, ये मुझे मालूम है, ये यहाँ से। हाँ, तो ये दुकानें हैं यहाँ पे और ये एंटीक पीस यहाँ मिलते हैं, लेकिन ये तो छोटे छोटे हैं, काफ़ी कुछ अलग सा है। मैं आपको अभी इस गली में आगे ले चलता हूँ और दोनों दोस्त हमारे साथ में चलेंगे तो बताते रहेंगे क्या क्या मिलता है। एक बात बताइए, फिल्मों से जो फिल्मों में दिखाया गया उससे कितना अलग है चोर बाजार? ये फिल्मों में तो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कोई रियलिटी तो दिखाई नहीं जाती हैं, वो अब मिर्च मसाला लगा के बनाई जाती है ना। लेकिन चोर बाजार में ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी
जो फिल्मों में अगर स्क्रिप्टेड करके बनाई जाए तो बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। और चोर बाजार में खुद अंडरवर्ल्ड से लेके है ना, कारोबार से लेके और चीज़ों की इतनी कहानियाँ हैं जिसपे फिल्में बन सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अंडरवर्ल्ड से क्या कहानी है? क्यों मतलब जो पूरा यहाँ डोंगरी है 2 किलोमीटर पे, करीम लाला जो मुंबई का पहला अंडरग्राउंड हुआ है वो वहीं पे था। अच्छा। यहीं आप याकूब गली है पीछे जो अभी मैंने आपको दिखाई, 500 मीटर पे होगी। जो दाऊद इब्राहिम का मतलब एरा था वो यहाँ से था। तो ये पूरी ये कहानियाँ यहाँ से चलती रही हैं। अच्छा। तो इसमें मतलब यहाँ मैंने एक हत्या अपने जीवन में एक होते देखी, यहीं चोर बाजार के थे दिलावर भाई की, उनकी हत्या हुई थी फारसी गली में। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उनके 4 साथी बैठ के मतलब वो बातें कर रहे थे, तो उसमें से एक ने बंदूक निकाली, मार दी गोली। अच्छा। हाँ मतलब इस तरह की बहुत सी कहानियाँ यहाँ हैं। मतलब एक ज़माना था जैसे जो बाद में हमने मतलब भिंडी बाजार के बारे में मतलब फिल्मों में और यहाँ वहाँ देखा, वो यहाँ था सब हर तरह की चीज़ें। हाँ ये वो चीज़ें बदल गई हैं बस। अच्छा, यहाँ से हमने सुना है यहाँ से कई फिल्म स्टार भी इस इलाके से हुए हैं। बेशक जो भाईजान ने बताया वो तो ठीक है, वो तो है, उसे अच्छी भी कह सकते हैं बुरी भी कह सकते हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, कैफे आज़मी साहब, बहुत अच्छे फनकार थे, यहीं पड़ोस की गलियों में आते थे, यहीं पड़ोस की गलियों में रहते थे। अनगिनत जी साबरा नरगिस भी इसी इलाके से थी, नरगिस जी यहाँ से थी। ये क्या नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, कई फिल्म एक्टर्स हैं। अब्बास मस्तान का घर भी यहीं आसपास ही, भिंडी बाजार में रहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, बाजू की गली में हमारे फारूक शेख साहब रहते थे। हाँ, और सवाना आजमी जी इसी गलियों में पली बड़ी हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर थे, फिल्मकार थे और कलाकार थे, लेकिन सिर्फ ये इस इलाकों को सिर्फ चंद लोगों के बदनाम नामों के ऊपर जोड़ दिया गया। इस इलाकों में बहुत अच्छे नाम भी रहे हैं और ये चीज मुमताज भी यहीं की। तो अच्छा, यहाँ सही में चोरी का सामान बिकता है या फिर बाकी चीजें भी? ये लोगों के घरों से जो निकलता है ना, जिसको घर के जिनके घरों का होता है वो उसकी वैल्यू नहीं समझते, ये लोग उसकी वैल्यू समझते हैं, उसे ले आते हैं, उसे कलेक्ट करके यहाँ जमा करके रखते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें ये मतलब उसकी और वैल्यू समझने वाले देश और दुनिया में जितने लोग हैं वो यहाँ आते हैं, ये उसे खरीद के लेके जाते हैं। ये जैसे ये मूर्तियाँ हैं बड़ी पुरानी पुरानी सी, महंगी महंगी सी लग रही है, है ना? हाँ, ये इसी तरह किसी के घर की होगी। अगर आप यहाँ जैसे इंडिया में 58,000 पारसीज कम्युनिटी के लोग हैं, वो पूरे 57,000 सिर्फ यही है कुलाबा में। अच्छा। अगर आप उनके घर जाओगे तो वो एंटीक फर्नीचर के, पुराने सामानों के बड़े शौकीन मिलते हैं। उसमें से किसी ने इंडिया छोड़ा, उसने सामान छोड़ दिया होगा ना, तो वहाँ से उठ के आ गई होंगी, या पुराने और शौकीन लोग रहे होंगे, उनके आने वाली जनरेशन शौकीन नहीं थी, उसने इनको रद्दी समझा, ये यहाँ उठा लाए। ये देखिए मतलब पुरानी फोटोज हैं और पुराने लैंप स्टाइल के चेयर अलग स्टाइल की है ये यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है, गांधी जी की एक तस्वीर बनी हुई है और कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है, भगवान गणेश की मूर्ति है, और भी तमाम तरीके की नायाब चीज़ें यहाँ दुकानों में लगी। आगे कुछ और दुकानें हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जी दुकानें हैं यहाँ पे, और क्या है कि यहाँ पे जो अभी जितने भी अभी पुरानी फिल्में जो रिक्रिएट हो रही हैं, तो रिक्रिएट जब होती है तो तब उनको पुरानी चीज़ें लगती हैं शूटिंग करने के लिए, तो यहाँ से ये सारे सामान रेंट पे जाते हैं। जब तक वो शूटिंग होती है तब तक रेंट पे होता है, उसके बाद वापस इस जगह पे आके मौजूद हो जाती है अपनी जगह पे। इस दुकान में दो हाथी के दांत रखे हुए हैं क्या? जी जी, रेडियो भी यहीं से गई थी, पीके की रेडियो भी यहीं से गई थी। बात है कि फिल्मों की शूटिंग जो होती है तो सामान यहाँ से लेके, बहुत सारे सामान यहाँ से जाती है। और ये देखिए, ये मार्केट का एक फायदा ये भी है, जो बहुत बड़ा गरीब तबका है यहाँ पे, जो नई नई दुकानों में जाके नए नए कपड़े नहीं खरीद सकते या नए नए सामान नहीं यूज कर सकते, वो लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ से सामान लेते हैं, जब तक यूज कर सकते हैं तब तक करते हैं, इनको लौटा भी देते हैं। कुछ लोग शौकीन लोग हैं जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ से जाके परचेज कर लेते हैं। आप जाएंगे पड़ोस की जगह पे तो आपको बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीजें दिखेंगी जो किसी के घर में नहीं थी। ये आर्ट गैलरी है, ये एक बहुत पुरानी सी दुकान है। जी जी जी। अच्छा, वाह, ये आपकी दुकान है भैया, थोड़ा बताएंगे क्या एकदम नायाब सी चीजें रख रखी है आपने? हम तो पहली बार दिल्ली से आए आपके चोर बाजार देखने के लिए, तो पता चला यहाँ इतनी एंटीक चीज। क्या नाम है आपका दोस्त?
मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा, मेरा नाम अभिनव है और मैं ललन टॉप से हूँ। ये सब कहाँ से आती हैं चीज़ें? ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीज़ें हैं जो हमारी शॉप पे अवेलेबल हैं, और यही तो इस मार्केट को यूनिक करता है कि आपको पूरी दुनिया की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये पेंटिंग कहाँ की है? ये यूरोपियन पेंटिंग है। तो लोग यहाँ आते हैं ये सब चीज़ें खरीदने के लिए? हाँ जी, आते हैं। और ये तो बहुत महंगे आर्ट पीस लग रहे हैं। नहीं जी, आर्ट का तो कोई प्राइस ही नहीं होता, तो महंगा कैसे होगा। तो आपकी तो ये शॉप कब से है? ये हमारी थर्ड जनरेशन शॉप है। तो ये सामान आप लाते कहाँ से हो, खरीदते कहाँ से हो? ये हमारे पुराने सोर्सेज हैं। अच्छा। जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सप्लाई करते हैं। पूरा इंडिया घूमा जाता है, पूरा वर्ल्ड घूमा जाता है, तो जाके ये सामान मिलता है, डिस्कवर किया जाता है। तो इसकी तो अलग ही दुनिया हो गई आपकी जो है, मतलब आपको खोजना पड़ता है बहुत सारे लोगों से आर्ट। कुछ आपके ऐसा कुछ नायाब बताइए जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और आपके पास मिलेगा। देखिए, हम स्पेशलाइज करते हैं यूरोपियन फिगर्स में जी, जिसके ये ब्रोंज फिगर्स हो गए हैं। अच्छा। इसके अलावा हम लोग जो स्पेशलाइज करते हैं वो हम करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में। जैसे कौन सी है वो? मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, जैसे ये है, इसको एक मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए भी लिटरली एक एक हफ्ता लगता था, तो ये महीनों में ये उस दौर में तैयार होती थी। ये किसी राजा, किसी बादशाह का दरबार लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वही है ये। ये उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये पेंटिंग दर्शा रही है एक एंटरटेनमेंट राजा का। अच्छा। और ये सारे पुराने आपने सामान, लालटेन निकाल रखी है जी, ये क्या है? अच्छा, पुराने सिक्के भी रखे। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे इंडिया के पुरानी करेंसी है। ये पुरानी करेंसी है, ओके। तो ये तो बहुत पुराने सिक्के आपके हैं। इसका कारोबार मतलब होता है, ये यही नहीं चोर बाजार में नहीं, इसका कारोबार करने वाले हर शहर में मौजूद हैं और इसके शौकीन भी हर जगह पाए जाते हैं, मतलब हजारों में एकाद जो इसका कलेक्शन करते हैं कि हमारे पास हर कंट्री के सिक्के हैं, हमारे पास इंडिया के हर पीरियड के सिक्के हैं वगैरह वगैरह। एक 1700 का साल का है, एक 1800 साल का, 1 सेंट है ये कितने के पास? मुझे उम्मीद है कि कई सिक्के होंगे जो अगर अभी हम खरीदने जाए तो हमें 20,000-25,000 या इससे भी ज्यादा पे करने होंगे। अच्छा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ होंगे। ऐसा है क्या? जी, आपकी उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे। नहीं, क्योंकि आप लोग कैमरे की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कैमरे का कलेक्शन, तो इनके पास ऐसी अनेक चीजें, नायाब चीजें मिलेंगी जो हर जगह नहीं होती है। और हमारी जो शॉप की स्पेशलिटी है, वी डील इन एवरीथिंग। आप हमें बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा। एंटीक्स में, विंटेज हो, एंटीक हो। ये सब कैमरे वैमरे कब के हैं? ये कैमराज हमारे पास, जो ओल्डेस्ट कैमरा है, हमारे पास वुडन कैमरा भी है जो कि 1800s का है। दिखा सकते हो आप? वुडन कैमरा वो पैक करके रखा है क्योंकि बहुत फ्रिजाइल होता है, तो वो सिर्फ हम कस्टमर्स को जो लेने आते हैं उन्हें डायरेक्ट उनको ही असेंबल करके दिखाते हैं। वो कितने का आता है? तकरीबन 80,000-90,000 रुपए का। 80,000-90,000? हाँ जी, वो भी लकड़ी का कैमरा। सिर्फ रखने के लिए? सिर्फ रखने के लिए। वही कैमरा है जिससे प्रताप अखबार विजय शंकर विद्यार्थी जी ने शहीद अशफाकुल्ला खां की फोटो खींची थी, जो हमारे सामने शहीद अशफाकुल्ला खां की एक फोटो है। ये उसी कैमरे की बात कर रहे हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरास जो होते थे ना, जो आज भी आप देखोगे राजाओं महाराजाओं के जो फर्स्ट पोर्ट्रेट्स फोटोज, वो उन्हीं कैमरास से लिए हुए हैं। ये पेंटिंग है चार्ली चैप्लिन। इसमें ये घड़ियां हैं आपके पास पुरानी? हाँ जी, हमारे पास घड़ियां भी रहती हैं। ये सब कितने साल पुराने पुरानी घड़ियां हैं? रिस्ट वॉचेस हमारे पास जो ओल्डेस्ट है वो लेट 1800s की पॉकेट वॉच है, सॉरी पॉकेट वॉच, ये जो उधर रखी हुई है। इसमें तो ये सिक्के आपके पास तो एकदम तुगलक और खिलजी के काल के सिक्के रखे हुए हैं। हाँ जी, वो भी है। ये जो पुराने, ये जैसे मुझे लग रहा अशरफी फिल्म में आपने सुना होगा नाम, ये हाँ, इसमें महंगा वाला कौन? अक्षय बताएगा। ये मुगल कॉइन, इसकी कीमत बताइए अभी कितने के हैं? ये आज इनकी जो वैल्यू है, अगर आप ऑक्शन प्राइस देखेंगे तो लाखों में जाते हैं, लेकिन हमारी शॉप पे ये 8,000 का एक है। और ये किस चीज से बना हुआ है? ये अष्ट धातु का होता है। अष्ट धातु का होता है, ये मुगल कालीन है। हाँ जी, ये मुगल।
और इससे पुराने भी हैं? इससे पुराने भी हमारे पास मिल जाते हैं, ये रखा हुआ अभी है, देखना पड़ेगा। हाँ, ये है ना, एक सेकंड। ये अक्षय, ये खिलजी के टाइम का है क्या, तुगलक के टाइम का है, ब्राउन सिक्के है ना ये? नहीं कह सकते, इस पे जो लिखा है काफी अस्पष्ट है। अच्छा, लेकिन पहली बार जो कांसे के सिक्के चलाए थे वो तुगलक ने चलाए थे, वो कॉपर कॉइंस, टोकन मनी जो है वो है। और ये सारी जो आपके पास ये रखे हुए, हाँ जी, ये जो ये चाकू या क्या बोलते हैं इसको, ये आज भी बनते हैं। अच्छा। हमारे राजस्थान में। हाँ। तो ये हम वहीं से लेके यहाँ पर सेल करते हैं। हमारे बचपन के एक के सिक्के के आज के सिक्के का फर्क देखिए। सिक्का तो हमारे टाइम पे भी था, हम भी इतने पुराने नहीं, लेकिन इससे पुराने ये सिक्के मैंने नहीं देखे थे। नहीं, ये तो मैंने देखे हैं। ये पांच का सिक्का है, इस पे नेहरू जी की फोटो बनी हुई है। इसकी कीमत क्या है? ये हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत आज के तारीख में तकरीबन 100 रुपए है। 100 रुपए का एक सिक्का? हाँ जी, ये पांच का सिक्का। नहीं, ये बेचने के नहीं है। नहीं, ये बेचने के नहीं है। मैं इसका शौकीन नहीं हूँ। ये हमारे फादर के लास्ट परचेजेस में से एक चीज है, तो ये हम नहीं बेचते। नहीं, नहीं बेचेंगे। कहीं और से लेके दे सकते हैं आप? हाँ, मिल जाएंगे आपको। कॉमन है ये, कोई ऐसी अनकॉमन चीज नहीं है। मैं आपको मिल जाएगा। और ये हाँ, ये बस जज्बात जुड़े हैं इससे हमारे। वही जज्बात नेहरू जी। जी जी। अच्छा, आपको नेहरू जी के सिक्का चाहिए भाई? अच्छा, तो ये जो है एंटीक वाले जो होते हैं। हाँ। हम बहुत जज्बाती लोग होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक आपको तो एक साथ दिख रहा है मेरी। हाँ। शॉप पे स्टार्ट टिल एंड तकरीबन 8 से 10 हजार अलग अलग आइटम्स की इन्वेंटरी है। ये सारे आइटम एक एक करके खरीदे हुए हैं। अच्छा। और इसमें कुछ ऐसे भी आइटम है जो मेरे दादा की खरीदे हुए हैं, जो आज भी हमारे पास है। कुछ हमारे फादर की खरीद भी है और हमारी खरीद भी है। ये किसकी तस्वीर है यहाँ पे बनाई हुई? अक्षय, हमारे थोड़ा इतिहास का जानकार भाई, ये कोई पुराने जमाने का सांप, वो जो सांप का ये कर रहे हैं ना, बीन बजा रहे हैं वो, ये सूफी लग रहे हैं ये। अच्छा, क्या जो ये शॉप जो है इसमें बहुत एंटीक चीजें हैं, जैसे ये देखिए, कई बार आपको बड़े बड़े होटल्स में देखने को मिलेंगे। ये पुराने नक्शे हैं, पुराने ज़माने के जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट होते थे, वो अपने व्यापार के हिसाब से। अब आप देखो कि ये चोर बाजार का जो है, ये ऐसा हिस्सा है जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने दिखाया नहीं। ये कुछ खाल है किसी की, जिसपे इस्लामिक पहला कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ये भी अपने आप में एंटीक है। और अक्षय उधर आपका इशारा कर रहे हैं, क्या है अक्षय? वो तलवार और एरोज से बचने के लिए। अच्छा। वो आप गार्ड देखेंगे। हाँ। उस पे क्या लिखा आप पढ़ के बता सकते हैं? अच्छा, ये ये इस अरबिक वर्ड है जो बहुत साफ तौर पे मैं नहीं बता पाऊंगा। जैसे ये अल्लाह लिखा है, या अल्लाह है ना, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, ये इस दोनों तरफ। और इसी जमाने में राजा महाराजा के बादशाह के टाइम का किसी सैनिक का है ये। थोड़ा आराम से है। अगर अब रहीम खाली हो, हाँ, ये तस्वीरें किस तरह की हैं, क्या हैं, वो तो अब्दुल बता पाएंगे, क्योंकि उनके ये जैसे देखिए, ये कोई बहुत पुरानी सी आर्ट है जिसमें देवी देवताओं की, गणेश जी की और तमाम कार्तिकेय भगवान की जो है वो तस्वीरें हैं, और एक अलग तरीके से इसको उकेरा और बनाया गया है। क्या चीज? ये एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये काबा शरीफ है। अभी काबा बहुत डेवलप्ड हो गया अरेबिया में। ये डेवलपमेंट के पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये डेवलपमेंट पहले का काबा? हाँ, पहले का काबा है। ये कितने सौ साल पहले का काबा ये इस तस्वीर? मिनिमम 300 इयर्स, क्योंकि मैं इस्लामिक स्टूडेंट हूँ, मैं बता सकता हूँ 300 साल पहले काबा ऐसा। हाँ, अच्छा, थोड़ा और बताइए इसके बारे में, क्या है ये, क्या चीज तस्वीर के? हाँ, देखिए, काबतुल्लाह के बारे में जो हमारी इस्लामिक धारणाएं हैं, हम जैसे इस्लाम में है कि दुनिया में कोई ऐसा कौम नहीं गुजरी जिसमें अपना नबी ना भेजा, और ऋषि मैसेंजर्स। तो हम मतलब आपने अगर इस्लाम के बारे में जरा भी अध्ययन किया होगा, हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी प्रॉफिट मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं ना, तमाम चीज़ों को।
तो कुछ लोग आगे निकल कर राम जी लक्ष्मण जी को भी प्रॉफिट की श्रेणी में रखते हैं। कुरान में 25 प्रॉफिट्स के नाम आए हैं, हदीस में 14, तो वो 39 का तो हम श्योर कहते हैं कि हैं, लेकिन दुनिया में कम से कम 1,24,000 के करीब प्रॉफिट्स आए हैं, वो कौन है उनके नाम हम नहीं जानते हैं ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आज से 4,000 साल पहले थे, जिसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूस तीनों जुड़ते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बादबान जंगल इलाका था वहाँ भेजा गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ अपने बेटे इस्माइल के साथ आए और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे को छोड़ के चले जाओ यहाँ। तो वो अपने बेटे को छोड़ के चले गए अपनी बीवी के साथ। तो उनके बेटे को जब प्यास लगी तो उनकी वालदा वो पानी तलाश करने लगी, उनके बेटे ने पैर पटकना शुरू कर दिए ज़मीन पर, जो बच्चा छटपटाता है, तो वहाँ से एक सोता निकला, फिर वो उस पानी बह रहा था, तो उन्होंने उसे रोका और कहा जमजम, जमजम मतलब रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। तो उसीलिए जो हमारा पानी आता है जमजम का, वो उसी को कहा जाता है। तो वो कुआं तब से अभी तक है और वहाँ से पानी निकल रहा है, जो आबे जमजम बोलते हैं। हाँ, वही। तो ये यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। इससे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा यहाँ आते हैं और उनको और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि यही जगह दुनिया का सेंटर है, तुम यहाँ मेरा एक घर तामीर करो। और इसी तरह हमारी इस्लामिक मान्यता है कि इसके ऊपर जो 7 आसमान है, 7 अर्श पर अल्लाह ताला का घर है। तो इसी ये दुनिया में अल्लाह ताला ने उसका एक वो क्या कहते हैं क्या कहेंगे यार, वर्ड नहीं आ रहा है, तो वो दुनिया में बनाया है ठीक इसी के ऊपर। इस्लामिक अकीदा है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पर है और ये दुनिया में उसका घर है। तो ये इस्लाम इसी घर की हम परिक्रमा करते हैं 7। तो हम जैसे हमें हज पे जाते, हज पे या उम्रे पे हमें इसी घर की परिक्रमा करनी। हज में और भी अरकान हैं लेकिन यही ये काबतुल्ला है, 4,000 साल पुराना। नहीं तो ये तस्वीर कब की, 4,000 साल पुरानी की? नहीं, ये तस्वीर जिस तरीके से बनी हुई है ना, ये 250 साल की पुरानी होगी। ये मिट्टी के मकान तो अभी भी सऊदी वगैरह में कुछ हैं। अभी रियाद में जो आसिफ पहले मलिक अब्दुल अजीज पहले मलिक थे, अभी उनकी जो पूरे पहले जहां वो बने थे किले उले, अभी फिर नए तरीके से फिर बनाए जा रहे हैं उसी मटेरियल से, उसी सिस्टम से। ये वाली जो डिज़ाइनें हैं ना, ये उसी टाइम की हैं। तो जब पैगम्बर साहब ने यहाँ अरेबिया में विद्रोह छेड़ा था, वो अनेकेश्वरवाद वहाँ चलता था, ये कस्बा हुआ करता था और यहाँ पे कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो पैगंबर साहब, हम मोनोथिज्म कहते हैं, एकेश्वरवाद, तो वो यहाँ पे वो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये उनके विद्रोह के बाद की तस्वीर है। हाँ, उनके विद्रोह के समय काबतुल्ला के अंदर 360 मूर्तियाँ थी और ये मतलब मोहम्मद साहब का जमाना 1400 साल पहले का है और ये बना है 4000 साल पुरानी की हिस्ट्री है। तो इन्होंने जो बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, फिर इस्लाम आया। अच्छा। तो ये इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से इन्होंने अपनी जानकारी बताई। ये जो पेंटिंग है, ऐसा बताया जा रहा है कि 300 साल पहले काबा ऐसा दिखता था और ये भिंडी बाजार में हम घूम रहे थे तो हमें ये तमाम तरीके की तस्वीरें, जो भिंडी बाजार का चोर बाजार है वहाँ पे ये तस्वीरें, एंटीक चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ, क्या कह रहे हो अक्षय? मैम नॉट श्योर बट शायद अलास्का मॉस्क है। ये अलास्का मॉस्क है और ये तीनों धर्मों के लिए बराबर है। और इसकी जो चाबी है आज भी एक मुस्लिम फैमिली के पास रखी जाती है। ये जेरूसलम में है और इसको लेकर के हमेशा विवाद या स्थिति रहती है, बनी रहती है इसराइल और फिलिस्तीन आपस में। ये देखिए देवी दुर्गा माता की एक तस्वीर है और उस तस्वीर उनके किसी एक रूप की तस्वीर है और ये पेंटिंग भी काफ़ी पुरानी लग रही है और अलग आर्ट फॉर्म है। मुझे इस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई, कारोबार का कोई बिजनेस नहीं होता, जो भी बिकाऊ माल है यहाँ है। क्योंकि देखिए वो ये अभी भी यहाँ पे भी कई सारे देवी देवताओं और उसकी पेंटिंग है, कई सारे पुराने मैप हैं जो हमने फिल्मों में देख रखे हैं। वो अद्भुत 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 कोई मजहब नहीं होता, अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। मतलब मैं इसीलिए शुरू में ही बोला था कि आज आपको मैं भिंडी बाजार में ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये ऐसी एक एक दुकान है ऐसी जिसमें आप एक एक घंटा समय दे दें तब भी जो है कम पड़ जाएगा। थैंक यू अब्दुल, हमने आपकी दुकान में आए और आपने इतना सब कुछ दिखाया, थैंक यू सो मच। ये जैसे ये सारा वो एक पीछे पेंटिंग थी काबा की और उसके बगल में वो कब की पेंटिंग होगी? ये देखिए वो जो पेंटिंग आपको दिख रही है,
ये है तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी, लेकिन ये जो इस पे बना हुआ है काबा शरीफ, ये 500-600 साल पुराना वाला काबा। और वो जो देवी जी की पेंटिंग्स हैं वो कब की हैं? ये तंजोर पेंटिंग्स हैं, ये 100-100 साल पुरानी है मिनिमम, है उससे ज्यादा ही। और ये बहुत महंगी बिकती है? देखिए चीज महंगी नहीं होती, या तो आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हर चीज की एक कीमत होती है। ये बात सही है कि चीज महंगी नहीं होती, या तो आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं कुछ और दुकानों पे तरफ लेके चलूंगा आपको इसी तरीके। अच्छा ये एक बात बताओ तो, ये कितने का आएगा? ये टाइगर जो है ये पैर में आता है, ये बंगले के बाहर रखा जाता है राइट लेफ्ट अपनी धाकड़ दिखाने के लिए। ये तो धाकड़ के लिए आप कितना खर्च कर लो उतना कम है मेरे, लेकिन मेरा शॉप का प्राइस 5 लाख रुपए का जोड़ा है। 5 लाख रुपए के जोड़े में ये मिल जाएगा, उसके लिए लेकिन बंगला होना चाहिए ये है, ठीक बात है ना, उसके लिए बंगला होना चाहिए। लेकिन बहुत नायाब सी दुकान है आपकी और बहुत नायाब चीजें देखी है, विजिट किया है आपने। एंड ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पे सारी शॉप्स अपने में यूनिक है, जो एक दुकान में है जरूरी नहीं आपको दूसरी दुकान में मिलेगा। तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप देखें विजिट करिए मार्केट, मटन स्ट्रीट चोर बाजार इसका नाम है मार्केट का, प्लीज विजिट करिए आपको अच्छा लगेगा। मतलब वो कमाल की दुकान थी, ऐसी दुकानें यहाँ पे कई सारी हैं, अनेक दुकानें मिलेंगी आपको और हर दुकान में एक बेहतर चीज मिलेगा। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ देखा तो अभी ये छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखिए कि ये फोटोज लटक रहे हैं और इसमें ऐसे अनोखी अनोखी चीजें मिलेंगी जो आम जनता नहीं देख पाती है। लल्लन टॉप उसको दिखाने की कोशिश कर रहा। ये सब पुराने आइटम्स हैं या फिर नए बने हुए हैं? मोस्टली पुराने आइटम ही है सर इसमें। देखिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस टाइम का पोस्टर है। हाँ हाँ, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंट्स बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के अंदर लगते थे, वो है, ये 90s के पोस्टर्स है सर ये पुराने। मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, यश चोपड़ा कृत, निर्देशक आदित्य चोपड़ा, संगीत जतिन ललित, गीत आनंद बख्शी, कैमरा मनमोहन सिंह। इधर कैमरा मनमोहन सिंह ने चलाया था, यहाँ हमारे मोहन चला रहे हैं। दोनों में सिर्फ मन का फर्क है और उम्र का थोड़ा फर्क होगा। ये सब उसी टाइम के पोस्टर्स हैं। ये लॉबी कार्ड्स है सर, ये पुराने जो पुट्ठे वगैरह पे लग के जो लॉबीज में लगते थे ना, वो चीज है ये। आप लोग ये सब लाते कहाँ से? तो दुर्लभ सी चीज। अरे भाई हमारा बहुत पुराना दुकान है, 55-60 years पहले का दुकान है हमारा सर, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ ये धंधे में। अच्छा, ऐसा क्या चीज है जो आप यहाँ आपके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपकी शॉप पे? सर मेरे पास जो भी चीज है ना वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद भाई है सर। वाहिद भाई, ये जो शिवाजी की आर्ट है, इस शिवाजी पे जो बना हुआ, ये भी पुराना बना हुआ है अभी हाल? नहीं नहीं, ये मॉडर्न आर्ट टाइप का है, ये आर्टिस्ट लोग वगैरह जो है वो हमारे से लेके जाते हैं सर। जी जी जी, ये दुकान है, यहाँ पे कई सारी चीजें मिल रही हैं पुराने टाइप के, इस तरीके के दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो है यहाँ पे, बढ़िया नायाब तरह की छड़ियाँ हैं जो फिल्मों में देखते थे। अच्छा आप बता रहे थे यहाँ क्या फिल्मों का कैसे जुड़ाव है यहाँ की ये इस चोर बाजार से? फिल्मों में जो एंटीक पीसों की शॉट के लिए चीजें दरकार होती हैं वो यहाँ के तलाश करते हैं मिल जाती है। पीके की रेडियो भी यहीं से गई थी, पीके की रेडियो। तो एक रेडियो आपको यहीं पर दिख रही है, ये रेडियो। हाँ ये रेडियो इस तरह की, और ये इस तरह की देखिए, जो पहले हमारे फोन आते थे जो कम्युनिकेशन के जरिए होते थे, वो किस तरह से क्या क्या सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। पुरानी से पुरानी चीजें आपको मिलेंगे जिस तरह हम लोग कम्युनिकेशन किया करते हैं। ये वो पीके वाला बक्सा है क्या? जी 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 जी, इस तरह का ये है। वो तो थोड़ा बड़ा बक्सा था, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन है उसी टाइप का। ये ग्रामोफोन टाइप का दिख रहा है। हाँ ग्रामोफोन है, नीचे वायरलेस वगैरह है। ये क्या है? ये जो रेडियो जैसा दिख रहा है और उसमें फोन भी लगा हुआ है, मुझे लग रहा है वो दूरबीन या कैमरा होगा। भैया ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? रेडियो है और इसमें कैमरा भी लगा हुआ है और ये फोन भी लगा हुआ है, वो आपने अलग से लगाया हुआ है। अच्छा आ जाओ, देखो इनकी शॉप जो है अंदर क्या क्या चीजें ओल्ड एकदम पुरानी रखी हुई है, अद्भुत है ये सारी चीजें देखना अपने आप में। पुराने पुराने कैमरे हैं, ये सब एकदम कलेक्ट करके रखते हैं। हाँ ये इन्हीं का काम होता है, एक इन्हीं में कुछ लोग होते हैं जिनकी ये जॉब होती है, जो ढूंढते हैं। जब मान लीजिए मैंने एक घर का स्क्रैप लिया तो वहाँ फर्नीचर निकला, कुछ एंटिक पीस निकली है ना, तो मैं मेरे कॉन्टेक्ट में होगा एंटिक पीस वाला, मैं इनको बुला लूँ, फर्नीचर वाला मैं इनको बुला लूँ,
तो वो चीजें अलग अलग जाती हैं, तो इनके जो डीलर हैं वो काम करते हैं, वो इनके पास लेकर आते हैं, फिर ये उसको जो चीजें इनके मतलब की होती हैं खरीदती हैं, दाम लगाते हैं, लेते हैं, फिर हम जैसे लोग जो शौकीन हैं वो आते हैं वो खरीदते हैं। ये पूरा इधर 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 आठ कॉर्नर है, इधर भी उसी तरीके की दुकानें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा रास्ता है तो जाम लग जाता है, तो यहाँ लोग आते हैं बाहर से खरीदने के लिए, यहाँ पे ऑर्डर करके मंगाया जाता है। जैसे अभी लास्ट दुकान में जो आप गए ना, क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन से जब बोलना सीखे तब के साथी है ना, तो वो लोगों के यहाँ ताज होटल में जो मतलब एंटीक पीसों की दुकान है उसमें इनका सप्लाई है, और यहाँ कई लोग हैं जो देश विदेश भी सप्लाई करते हैं। ये फोन देखिए पुराने स्टाइल में जो है फोन बना के रखे हुए हैं, ये गजब। नाम का जो प्रभाव है ना वो बहुत ज्यादा है, तो लोग वो चोर के नाम से बहुत लोग यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारे अनगिनत फॉरनर्स जिनको अच्छी अच्छी चीजों के शौक है वो आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ के और जो आज तो दिन सोमवार है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एवरी फ्राइडे के दिन ये सब गलियों के अंदर आना मुश्किल हो जाता है। थर्सडे नाइट से पंखा देखिए किस जमाने का है, पंखा ये तकरीबन नहीं बोलेंगे तो एक 40 साल से ऊपर का पंखा होगा। तो शाम के टाइम पे थर्सडे की नाइट में ही यहाँ पे जो दुकानें लग जाती हैं ये सब जगह पे, और फ्राइडे नमाज के पहले तक चलती है, जिसके अंदर आपको कपड़े मोबाइल और जो भी जरूरत का सामान है वो सारी चीजें मिलती है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रखी हैं, आठ पीसेस हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा कहीं के लिए, सप्लाई चल रहा होगा, तो बहुत सारे अनगिनत लोग आते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी सी दुकान है, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी है सर ये? 1928 की है। 1928 की? हाँ, बहुत पुरानी है। तो आपको यहाँ क्या क्या मिलता है? देखो क्या क्या नहीं मिलता है, सब मिलता है, खरीदार चाहिए। खरीदार चाहिए। आप लोग कैसे ये बता रहे थे कि फिल्म वाले भी लेके जाते हैं शूटिंग वूटिंग के लिए, ऐसा है क्या? लेके जाते बता रहे थे जमाने से, जब तक चोर बाजार बना तब से फिल्म लाइन में धंधा है हमारा। अच्छा, आपको कुछ मालूम ही नहीं है सर? ना कुछ नहीं मालूम है, मैं पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। सड़े दिल्ली के हो, इसलिए हमको तो जान, हम तो ये आप लोग बता रहे, हम तो जो फिल्मों में देखे थे यहाँ सिर्फ चोरी का सामान मिलता है, पता दो भाई मिले पता कह रहे उससे बहुत अलग है चोर बाजार, आपको आओ मैं दिखाता हूँ, तो देख रहा हूँ ये क्या एंटीक पीसेस रख रखे हैं आप लोगों ने, ये हाथी कब? सब बहुत बड़ा एंटीक सा हाथी, कहाँ लकड़ी का है? रोज उठ की लकड़ी का है। लोग ऐसे तो वैसे जो जानकार नहीं रहेगा उसको तो लगेगा ये भंगार का सामान रखा हुआ है, जो जानकार नहीं रहता ना वो पहला लेता है, अच्छा लगता है तो ले लेता है, वो पहला लेता है जानकार तो। वाह, तो ये जो है एक दुकान यहाँ पे। अच्छा, इधर लकड़ी का भी काम खूब होता है ना, फर्नीचर का, पुराने फर्नीचर का भी खूब काम होता है, एंटीक सामान है, ये तमाम चीजें जो नायाब हैं वो यहाँ दस्तयाब है। और कुछ आठ पीसेज यहाँ पे आते रहते हैं, बिकते रहते हैं, उस टाइप की चीजें भी है यहाँ पे ना, ये सब आर्ट गैलरी है ये भी। आप देख रहे हैं ये दुकान थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस तरह अलग अलग चीजों की दुकानें भी हैं। यहाँ पे मूर्तियां बना रखी हैं, वो एक पुरानी सी मूर्ति, हाँ वो सिकंदर की मूर्ति, हाँ, है ना वो वाली, हाँ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, हाँ उसे हिंदी में अलेक्जेंडर बोलते हैं, सिकंदर। और ये एक अलग सी दुकान है, यहाँ पे आर्ट पीसेज हैं, लेकिन ये लाइट वाइट की चीजें हैं यहाँ पे। ये आपकी शॉप है सर? ये बहुत नायाब सी चीजें रखी हुई है, ये नई है या फिर पुरानी और आपने पॉलिश की? सब पुरानी है सर। ये किस काम में आती है वो लाइट जो है? सब अलग अलग है सर, कोई मेडिकल से है, कोई इंडस्ट्रियल से है, आर्ट डेको है। और ये क्या रखा हुआ है? ये प्लांटर पॉट है। आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं उसको? आपके लोग होते हैं अलग अलग जगहों पे? ऑल ओवर इंडिया से सर। और ये पंखा जैसे ये कब का होगा? ये 1940s का है, मरिली का है, है? मरिली इटली का है। ये है 1,40,000 का, 1,40,000 का पंखा है ये, कमाल है साहब। फैन ऊपर लगे हुए हैं,
इसीलिए मैं कह रहा था मैं थोड़ा देर पहले वीडियो शूट चोर बाजार है लेकिन कीमत हमारी समझ से और औकात से दोनों से बाहर है। इसका नाम चोर बाजार है, लोगों को लगता है कि चोर बाजार जहाँ पे सिर्फ मोबाइल लैपटॉप और ये सब चोरी का मिलता है। ये अब तक मेरी धारणा भी यही थी, मुझे भी यही लगता था कि यहाँ जो मोबाइल होता होगा और अच्छा वो सब भी तो मिलता है ना यहाँ पे कहीं जरूर जरूर वाला हो गया जरूर मिलता है यहाँ पे। और मैंने जो आपको थोड़े से पहले बताया कि ऐसे तो बड़ी मार्केट ये फ्राइडे की होती है, लेकिन जब आप ये उल्टे हाथ पे जाएंगे आप तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो मोबाइल कहीं नहीं होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा हाँ, और बहुत कम दामों पे और अच्छी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दे देंगे, बाकायदा उसका फर्नीचर कहीं से आया है इसको है। अब ये कोई पुराने मजदूर होंगे, पुराने कारपेंटर हैं जो इसके इसके अच्छा ओनर रखते हैं ना, तो इसको दोबारा इसकी मरम्मत करके वैसा बना रहा है कि ये हमारे घर में रखने जैसा लगे। ये कहीं बाहर से आया है पुराना चीज है? हाँ, कलकत्ता से। इसको आप नया कर दोगे? हाँ। अच्छा? हाँ। और मजबूत रहेगा? मजबूत रहेगा, पुराना ही मजबूत होता ज्यादा। ये किस चीज की लकड़ी का है? माटी का। साग साग सागौन जो होता है साग। हाँ, यह हाजी इब्राहिम रिकॉर्ड शॉप है यहाँ पे पुराने जमाने के लिए। जो आज पर कभी सीडी और अभी यूएसबी के माध्यम से हो गया, एक टाइम पे एक टाइम पे ये प्ले होता था और इनके पास इनकी चीजें। आ सकते हैं इधर आ सकते हैं? क्या नाम है आपका सर? मंसूरी। कह रहे हैं कि पीके का रेडियो यहीं से गया होगा, ऐसा आपके पास पुराने हैं क्या? नहीं, मेरा पीके का रेडियो यहाँ से टेप गया हुआ है मेरा, और ये मेरी शॉप जब यहाँ नहीं थी, मेरी पीछे बाजू थी, वहाँ से मेरा पीके का टेप पहचान वाला डायरेक्टर को जो आते लेके आए थे उनको, तो दो टेप लेके गए थे एक साथ तो। सेम ये पुराने पुराने। अरे ये माइक भी है ना वो वाला, मेरी मेरी जोरा जबी, वही वाला है ना ये हेरा फेरी वाला माइक जो है है? उस तरफ पीके टाइप कई रेडियो टेप हैं। ये कितने साल पुराने हैं ये? 70-80 बरस पुराने सब है ये सब। तो अब चलता नहीं होगा, काम तो करता नहीं होगा, भी है, कुछ बन भी है ऐसा है। अच्छा ऐसा है जी। डीवीडी तक तो हमने देखी है लेकिन उससे पुरानी चीजें नहीं देखी है। ये पता नहीं कब का रेडियो होगा है? 70, 60, 50 के टाइम के सब वही रेंज के ज्यादा करके। वाह भाई साहब, गजब है यार। तो ये आपके पास कैसेट्स भी हैं क्या? कैसे? कैसेट्स उधर है, सबसे ओल्ड है। सबसे ओल्ड बोलते ना, सबसे पहला रिकॉर्ड में बनी थी, सबसे पहले यही बनी थी। जो पहला गाना जिस पे रिकॉर्ड हुआ वो प्लेट है ये, रफी साहब के, किशोर दा के। एक सेकंड, आराम से एक सेकंड, इधर इधर बताइए, इधर क्या कह रहे हैं आप? पहले वो जो डामर की रिकॉर्ड 78 RPM सबसे पहले कंपनी ने वो बनाई, उसके बाद फिर प्लास्टिक की बनाई, फिर उसके बाद छोटी बनाई। ये देखेंगे बहुत, और अब तो खैर ये सब विलुप्त हो गया है, ये सब हमने फिल्मों में या किसी होटल के उसमें रखे देखा है। ट्रंकल टाइपिंग मशीन, ये एंटीक, ये अब इधर से फर्नीचर की मार्केट शुरू हो जाती है? यहाँ से फर्नीचर की मार्केट शुरू हो जाती है, और ये हमारे यहाँ के लोकल है अयूब भाई। काफी अयूब साहब आप, और काफी चीजें बता सकते हैं जो हमें भी नहीं है, तो कुछ चीजें। आपकी भी शॉप है? जी नहीं, मेरा शॉप नहीं, मैं रहता इधर ही हूँ, पीछे गली में मेरी बिल्डिंग है। क्या खास बात है आपकी बाजार की? इसकी ये एंटीक बाजार है, बहुत पुराने पुराने जो फर्नीचर वगैरह, लाइटिंग, झूमर वगैरह मिलते हैं। क्या ये पूरे पुराने पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं? ये सब पुराने फर्नीचर है, और बहुत मशहूर मार्केट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मशहूर है मार्केट। गजब है ये तो। कोई ऐसी चीज बताएं जो हमारे नजर से नहीं हो, आपकी नजर से कुछ बेहतर। ये वही है, मतलब चाहे कलकत्ता में निकले, चाहे हैदराबाद में पुराने सामान निकले, चाहे लखनऊ में निकले, इनके कॉन्टेक्ट है वहां से, वो यहाँ आ जाते हैं। आपने अभी देखा कि उन्होंने बताया कि कलकत्ता से वो लेके आए हैं, और वो कलकत्ता की चीज दुनिया के कौन से कोने में जाएगी वो हमें भी नहीं पता। तो ये एक अलग तरीके का चोर बाजार हमको देखने को मिला। ये इनकी शॉप है, क्या नाम है सर आपका? साकिब। साकिब सर, तो ये आपके पास फर्नीचर बहुत पुराने पुराने हैं क्या? जी जी जी। कोई ऐसा फर्नीचर बताइए जो और कहीं नहीं मिलेगा, आपके पास मिलेगा? आओ देख, आ जाओ आसिफ भाई के साथ वाले।
आइए आराम से आना भैया, कुछ हाथ पैर लगे टूटे, बहुत महंगा होता है इनका सारा सामान। हमारा शॉप है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम साकिब शास्त्रीकर फ्रॉम मुंबई चोर बाजार। ये सब ओल्ड फर्नीचर परचेसिंग इन वुड, वी गिव ऑन रेंट आल्सो लाइक एनी ओकेजन पार्टी वेयर शू। और अगर आपको रेंट पे लेना है तो डिपॉजिट चेक एंड पर डे रेंट, और अपना एड्रेस है गूगल पे, आप ट्रैप करोगे आराम से आ सकते हो। क्या रेंट पे लेते हो? जो भी चीज हो, फर्नीचर मतलब रेंट, एनी ओकेजन शूट पार्टी वेयर वैसा भी जाता है, किसी का शादी भी आ रहा है तो वैसा रेंट पर, मतलब डिपॉजिट चेक और पर डे रेंट। और जब आप हासिल आते हैं कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं, जैसा मान लो आपके घर में भी रहा पुराना फर्नीचर निकाला तो आपको पता है तो आप हमको मुझे बेचना हो तो आपको दे दूंगा। जी 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 जी, ले लोगे? लकड़े में रहेगा तो अपने टेस्ट का होगा, तो अपने टेस्ट का होगा, लकड़ी में रहेगा, लकड़े में जी, ओल्ड फर्नीचर। आओ देखो, आइए आ जाते हैं आपके पास, देखिए जरा आपके पास ले जाते हैं क्या शूटिंग करने के। जी जी जी, साइड टेबल देखो, ये गार्डन में है, भीड़ का आउटडोर है, कास्ट आयरन में, इसके पीछे ड्रेसिंग है, पलंग है 4x6 का। आइए अंदर, ये इजी चेयर देखो, ये कब का है? ये भी है मतलब पुराना ही है, ये साग है और इसके हैंडल है, ये शीशम है, रोजवुड है। और ये रॉकिंग चेयर वुड में, अब ये देखो इसकी लकड़ी की पहचान देखिए, इसको नॉक करो, ये शीशम में ऊपर से नॉक कीजिए, नहीं इसे नकल से पहचान, आवाज पहचानो लकड़ी, अब नीचे इसकी आवाज पहचान, फर्क मालूम पड़ा। इस तरीके से मतलब हम लोग फर्नीचर देते, शीशम पहले इस पे, फिर बाद में साग है। जी बाबा जी लोगों की छड़ी भी जो है यहाँ पे मिलेंगी आप, सब चीज मिलेंगी आपको हमारे यहाँ। वो जो सर ओल्ड फर्नीचर स्पेशलिटी यही चीज की खूबी हमारे, जो सरमाइन का सोफा था ना वो भी इनके पास है, बहुत पुराना, ये धरे हुए पुराने 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 इनके सोफे हैं। और ये सब क्या है? गुजरात का झूला है, गुजरात का झूला है पूरा, साग का स्क्रूज पे फिटिंग है। ये कबर्ड पारसी के ऊपर का लिया हुआ है। आइए, टेबल है, स्टडी टेबल है, ये सब क्या है? सब ओल्ड फर्नीचर। सोफा ओफा कब के हैं आपके पास? कुछ अंदाजा नहीं है, लगभग 15-20 साल पुराना है। तो ये एक अलग तरीके का शॉप है, ये पुराने बाजा और ये सब तरह की दुकानें हैं। हमने फिल्मों में जो भिंडी बाजार देखा है वो अब बदल रहा है, आपके बचपन का भिंडी बाजार बदल गया होगा, क्योंकि अब यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने लग गई हैं। इधर बोहरा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कई सारी बिल्डिंगें बनाई हैं। तो जो आपको पुराने समाज वाली स्टोरी बता दूं, उनके जो पहले पीर सैयद थे, मौला जिनको लोग बोलते हैं, उनकी कब्र यही है। तो ये मज़ार है, मतलब मुसलमानों में जो सिया मुस्लिम है उसमें एक सेक्स है बोरा मुस्लिम, तो बोरा मुस्लिम का जो पूरी दुनिया में मरकज़ ये है, तो वो इसे उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। पहले यहाँ बोरा मुस्लिम 30% थे, लेकिन अभी जो नया बन रहा है वो 100% उनका है, और मतलब रेट दे के ले रहे हैं, और उनके गवर्नमेंट के साथ भी है ना, चीज़ें अच्छी हैं। और जो मैं कह रहा था कि मेरे बचपन का भिंडी बाज़ार और अभी के भिंडी बाज़ार, नहीं मुंबई भिंडी पूरा बदल गया है। जैसे मैं यहाँ रहता था पीछे रोड पे चोर बाज़ार के उस तरफ, मैं VT में पढ़ता था, तो मैं जब यहाँ से बस में जाता तो बस में से और मेरे स्कूल के 6th फ्लोर से मुझे एक टावर दिखता था यहाँ पे जय जय के आगे, कोई दूसरा टावर नहीं था। अब पूरे मुंबई में सिर्फ आपको बड़े बड़े टावर मिलेंगे, बल्कि अगर आप अभी यहाँ भाई कल्ला से दादर की तरफ जाएंगे ना, तो दोनों तरफ 60-60 फ्लोर के, 40-40 फ्लोर के, 50-50 फ्लोर के सिर्फ टावर देखेंगे। तो ये बात सही है, सारे शहर ऐसे बढ़ते हैं, मुंबई अब ऐसे बढ़ रही है, क्योंकि मुंबई ये में समंदर से घिरा हुआ है, पहाड़ है थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो ये कुछ मैंने आपको एक जो दुकानें दिखाई, ये कुछ एक दुकानें हैं, और आप इसको कहेंगे नाम मात्र की दुकानें दिखाई, बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ से लेके उधर पीछे स्क्रैप का काम होता है, जो चोरी की गाड़ियाँ आती हैं वो कटती हैं, उधर साइड में मोबाइल वोबाइल की भी दुकान है, ठीक बात है, कपड़े की दुकान है। ना सिर्फ चोरी की, क्योंकि आजकल तो क्या है कि कानून बहुत सख्त हो गया है, तो आप किसी तरह की गाड़ियां कहीं से कुछ ला नहीं सकते, उनके ऑन पेपर होते हैं, तो अब वो गया जमाना, अब जो होता है यहाँ पे ऑफिशियल काम होता है। आप पुरानी गाड़ियां स्क्रैप होती है, ओनली आप इसको पुरानी गाड़ियां बोल सकते हैं, चोरी की गाड़ियां नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अगर एक बाइक भी कहीं से कहीं लेके जाते हैं तो उसका HP लेटर वगैरह सब लगता है, और बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो वो जमा जिस चीज से मशहूर है उसके आप वकील मत बनिए, यहाँ वो चीजें होती थी, ये एक सच्चाई है। जैसे मैंने चप्पल वाली कहानी बताई जो मेरे बड़े अब्बू की है ना, तो इस तरह मैंने देखा है यहाँ
लेकिन अब यहाँ क्या होता है, ये चीज मैंने नहीं देखी थी कभी, जो अभी देखी ये बिल्कुल। राजवी साहब आप इनको सिर्फ चोर बाजार के नाम से जानते हो, यहाँ से हमारी इज्जत जुड़ी हुई है, यहाँ से हमारे ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, हमारे ताल्लुकात ठीक है, जितनी बेहतर चीज़ हम बता सकते हो उतनी चीजें बेहतर। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आज का जमाना बदल गया है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम है, बहुत चीज है। मार्केट था भाई कि यहाँ पब्लिक को पैर रखने की जगह नहीं थी, और मगर अब इस वक्त ये डेवलप होने के बाद में यहाँ की जो रौनक और शौनक जो थी ना वो खत्म हो गई, मगर फिर भी थोड़ी बहुत इतनी बरकरार है कि थोड़ा बहुत आपको पुराना आइटम वगैरह थोड़ा देखने को इधर मिल सकता है, मगर क्या है अगर घूमोगे ना थोड़ा बहुत तो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी दुकान, कमाल का बाजार रही है मुझे देखा, और मुझे लगता है उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी नहीं होगी, मेरे लिए भी थी, बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे अनभिज्ञ लोग भी हैं जो नहीं जानते, जिनके लिए ये थोड़ा सा अलग चीज़ हो सकती है, थोड़ी नायाब चीज़ हो सकती है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है, ये दोनों दोस्त हमें यहाँ मिले, इन्होंने ये पूरी जानकारी दी। आपको पूरी जानकारी कैसी ली कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, देखते रहिए दी लल्लन टॉप, शुक्रिया।